नमस्कार। आपके सामने हम आज चार लाइनें कविता की पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता को सुनाया था कुमार विश्वास जी ने। आज उसी कविता की चार लाइनें आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि यह कविता आपको पसंद आएगी, क्योंकि यहां पर यह जो कविता का संकेत है वो संकेत ये दे रही है कि एक बड़े घर की लड़की होती है, अमीर होती है, और जो लड़का होता है वो गरीब होता है। तो लड़का और लड़की, लड़की लड़के से प्यार करती है। जब लड़की लड़के से कहती है शादी करने की, तो लड़का क्या कहता है? जरा लाइनों पर ध्यान दीजिए। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। क्या कहता है? मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ हूं मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। लड़का कहता है कि आप एमए फर्स्ट डिवीजन और मैं कहां हाई स्कूल फेल। फिर आगे लड़का क्या कहता है? तुम फौजी अफसर की बेटी हो, मैं तो किसान का बेटा हूं। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं किसान का बेटा हूं। तुम रबड़ी दूध मलाई हो, मैं सत्तू सपरेटा हूं। कहने का तात्पर्य लड़का कह रहा है कि तुम सब कुछ हो, पर हम तुमसे सदैव ही बहुत नीचे हैं। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्ब्रेटा हूं। जरा गौर फरमाइएगा, इस कदर अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़े मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। इन लाइनों को आपने ध्यान दिया होगा। लड़की कह रही, लड़का कह रहा है लड़की से कि हम आपके काबिल नहीं है, और यही सच्चाई है कि हमेशा कभी भी प्यार संबंध या शादी करे तो हमेशा अपने बराबर को जरूर देख ले। फिर उसके बाद लड़का कहता है, तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन बन की लकड़ी हो, मैं बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूं, मैं पके आम सा लटका हूं, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। प्यारे मित्रों, आज हमने आपको आधी ये कविता सुनाई है। इस कविता से आपको क्या समझ में आया, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि इस कविता को मैं ध्यान से जब समझ रहा था, तो मैंने सोचा इस कविता से समाज को बहुत सारा संकेत दिया जा सकता है। तो इस कविता को सुनाने का मकसद ही हमारा यही है। और ये कविता आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। और मैंने सही से कविता को पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाया, इसके बारे में भी बताइएगा। अपना प्यार भरा कमेंट करना, अच्छा लगे तो शेयर करना। नमस्कार।